उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद शहर के ढोलपुरा रोड स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान इट्स राइट्स ह्यूमन के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज एवं खाद्य विभाग से अधिकारी बी एस कुशवाहा ने संयुक्त रूप से यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है और क्या हानिकारक, इस विषय पर जानकारी दी। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी के आगमन पर आभार व्यक्त किया। बच्चों ने भी काफी उत्साह से अपने मन के कई सवाल भी पूछे। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, एस के एच न्यूज। तो फास्ट फूड और जंक फूड से बच्चों क्या मिलता है, फास्ट फूड मैदा होता है उसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, वो फैट होती है, ऑयल होते हैं उससे फैट मिल जाता है, और हमको प्रोटीन मिनरल्स विटामिन और फैट नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिलते ना उसे, तो उसे क्या होता है, उसको खाने से पेट तो भर जाता है, भूख खत्म हो जाती है, लेकिन मोटापा बढ़ता है, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी होती है ना। फास्ट फूड के बारे में अवगत नहीं कराया गया है, बल्कि एक ईट राइट मोमेंट है जो 10 जुलाई 2018 से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। और इसका जो मोमेंट है वो है कि इंडिया में भारत में जो यंग पॉपुलेशन है उनको सही तरीके से खाने की हैबिट को डेवलप करना, जिसमें साल्ट, शुगर और ऑयल के रिडक्शन को 30% तक रिड्यूस करने की बात कही गई है अगले 3 सालों में। तो इस संदर्भ में स्कूलों में जाके बच्चों को भी प्रेरित करने का एक प्रयास किया गया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने मुझे बुलाया इसका भाग इसमें बच्चों को बताने के लिए। और यहाँ बच्चों को बताया गया कि फास्ट फूड के खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे खाएं, किस तरीके से सॉल्ट, शुगर और ऑयल को आप अपने खाने में कम कर सकते हैं, ये सब बातें बच्चों को, मतलब जो हानिकारक फूड खाना नहीं चाहिए। तो किस डिपार्टमेंट द्वारा बच्चों को प्रेरित किया गया था, क्या ये डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर आए थे, चीफ ऑफिसर और उनका सहायक दोनों, फूड सेफ्टी मतलब आजकल बच्चे बहुत हानिकारक चीज़ें खाते हैं ना, यही लोग उनको कंट्रोल करते हैं। और अभी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है सारे स्कूलों से बच्चों से अच्छा हैबिट्स डेवलप करने के लिए।